जब रस्मों की बात आती है तो चुनने की गुंजाइश होती है, पर जो रस्में मैं करता हूं वही आपको भी करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक सेब खराब होने पर पूरी टोकरी खराब नहीं हो जाती। हमें यह देखना होगा कि इसमें क्या भ्रष्टाचार है। मेरा सवाल है कि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों तरह के कई रास्ते मौजूद हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में दोनों हैं, वेद और वेदांत, तो मैं एक जागरूक चुनाव कर सकती हूँ कि मैं क्या चुनना चाहूँगी, पर मैं भ्रमित हूँ और इस युग की युवा होने के नाते मुझे वाकई यह समझ नहीं आता कि कोई रिचुअल्स या रस्में क्या आज भी ज़रूरी है। तो क्या आप मानते हैं कि रस्मों की आज कोई ज़रूरत है? आप इस युग की युवा हैं, पर यह चुनाव आपको सिर्फ इस देश में मिल रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। दुनिया के कई दूसरे देशों में अगर आप कहते हैं कि आप चुन सकते हैं तो आम तौर पर आप मारे जाएंगे। अगर आप मारे नहीं जाते तो आप हजारों अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाएगा। इस देश में आप चुनाव कर सकते हैं, जो कि अद्भुत है। बिकॉज वी डोंट हैव अ रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन Which cannot be edited, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा धार्मिक संविधान नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ हमारे पास अलग अलग पुस्तकें हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जिन पर बहस की जा सकती है, जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है। Coming to ritual, रस्मों की बात करें तो रस्म कैसे बनाई गई? क्या आप रोज सुबह अपने दांतों को ब्रश करते हैं? मैं बस पूछ रहा हूँ, आप करते हैं? अरे ऐसा मत कीजिए, इसका मतलब है नहीं। Yes. तो हर दिन सुबह आप दांत ब्रश करते हैं, ये एक तरह की रस्म है, क्या ऐसा नहीं है? वाकई लोग कहते हैं सुबह की रस्में, वो पूजा की बात नहीं कर रहे, उनका मतलब है शिट शावर और शेव। मैं नहीं करता, आप भी नहीं करते। तो जो कुछ भी आप रोज करते हैं जरूरी नहीं कि पसंद से, पर आप वो काम करते हैं क्योंकि आपने तय किया है कि ये मेरे लिए अच्छा है। वो आपके जीवन में एक रस्म बन जाती है। दांत ब्रश करने की ये रस्म आपके जीवन में आई क्योंकि आपके माता पिता, शायद आपकी माँ ने इस पर जोर दिया था। जब आप इतनी थीं तो उन्होंने जोर दिया आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। आप कहती हैं नहीं मैं खाना चाहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं ब्रश नहीं तो नाश्ता नहीं। क्या आप अपनी माँ के आभारी हैं जिन्होंने संस्कार पर जोर दिया? हाँ या ना? आप नहीं हैं? उस समय आप चिढ़ गई थीं, मैं नाश्ता करना चाहती हूँ, समस्या क्या है, हर दिन ब्रश क्यों करूँ? पर अब आप खुश हैं कि वो आपके जीवन में ये संस्कार लाई, ये मददगार है ना? कम से कम आसपास के लोगों के लिए ये मददगार है। तो इसी प्रकार अलग अलग कारणों से कई रस्में आईं। आपके सवाल में आपने कहा आध्यात्मिक मार्ग कई हैं, नहीं सिर्फ एक। आध्यात्मिक शब्द का मतलब है आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा। अंदर के रास्ते बहुत सारे नहीं हैं, सिर्फ एक ही है। हेलो, सिर्फ एक ही रास्ता अंदर मुड़ता है। ठीक है, आप ऐसे पहुंच सकते हैं, आप वैसे पहुंच सकते हैं, आप ऐसे पहुंच सकते हैं, पर भीतरी स्थान सिर्फ एक ही है। तो जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो ये सिर्फ एक ही है, आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा। जब धर्म की बात आती है तो शायद चुनाव होते हैं, जब रस्मों की बात आती है तो हाँ चुनाव होते हैं। तो जब लोग सक्षम नहीं थे, हर कोई इतना काबिल नहीं था कि बस बैठकर ध्यानमग्न हो जाए, तब उन्हें सरल प्रक्रियाएं सिखाई गईं। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। कई साल पहले एक इंस्टीट्यूट था, इन दिनों मैं खुद को ऐसी भद्दी चीजों के हवाले नहीं करता क्योंकि अब मैं ऐसा कर सकता हूं। कई साल पहले एक इंस्टीट्यूट जिन्हें लगता है कि वो साइंटिफिक हैं, उन्होंने कहा, चूंकि मैंने उनसे किसी चीज का वादा किया था और उन्होंने कहा हम आपके दिमाग की गामा वेव स्टडी करना चाहते हैं,
मुझे पता नहीं था कि मेरे दिमाग में गामा वेव्स हैं। मुझे पता है कि मेरा चलता फिरता दिमाग है, पर मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में गामा वेव्स हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम गामा वेव्स का अध्ययन करना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, आप यहाँ बैठिए। और उन्होंने मेरे शरीर पर 14 इलेक्ट्रोड्स लगाए और कहा, आप ध्यान कीजिए। मैंने कहा, मुझे ध्यान करना नहीं आता। उन्होंने कहा, पर आप सबको ध्यान करना सिखाते हैं। मैंने कहा, मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूँ क्योंकि वो स्थिर नहीं बैठ सकते। मुझे उन्हें स्थिर बनाने के लिए कई तरीके सिखाने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्थिर होकर बैठूं, तो मैं बिल्कुल स्थिर होकर बैठूंगा, अंदर भी और बाहर भी। पर आप जानते हैं कि रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च हमेशा आर्थिक मदद से चलती है, तो उन्हें नाम चाहिए। उन्हें ध्यान कौन सा है और गामा तरंगें, जो भी बकवास। पर मैं उन्हें ऐसा कोई सुख नहीं देने वाला। मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठूं और कुछ ना करूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर ध्यान नहीं। तब बहुत चर्चा के बाद शायद उन्होंने कुछ नहीं के लिए एक नाम ढूंढ लिया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। मैं बैठ गया। लगभग 15-20 मिनट बाद आपकी कोहनी में एक अजीब जगह है जहां चोट लगे तो झन्नाहट होती है। तो उन्होंने एक धातु की बस्ती ली और टुक 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 उस जगह पर मारने लगे। वो बस मेरी हथेली को सुन्न कर रही थी। मैंने सोचा, ठीक है, ये उनके प्रयोग का हिस्सा है, और मैं बैठा रहा। फिर उन्होंने मेरे टखने पर मारना शुरू कर दिया। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि वो मुझे इस तरह पीट क्यों रहे हैं, मेरी गलती क्या है? जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो सभी मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने कहा, क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया? उन्होंने कहा, हमारी मशीनों के अनुसार आप मर चुके हैं। ये तो आपने गजब निष्कर्ष निकाला है। और फिर वो आपस में बोले, बिल्कुल, ये आदमी बोल रहा है तो ये मरा नहीं है। तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपका दिमाग मर गया हो। मैंने कहा, मुझे आपकी ये दूसरी राय पसंद नहीं है। अगर आप मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन डेड मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। हाँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आप अपने अंदर सब कुछ संभाल सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है, यह सबसे अच्छा तरीका है। बस यही योग है। अगर आप हाउ टू हैंडल दिस होल मशीन, ऑल लेवल्स ऑफ दिस मशीन, योर बॉडी, योर थॉट, योर इमोशन, योर एनर्जी, इस पूरी मशीन को कैसे संभालना है, इस मशीन के सभी स्तरों को, आपके शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, हर चीज, आपको पता है कि इन्हें अंदर से कैसे संभालना है, तो आपके लिए कोई रस्म नहीं है। मेरे पूरे जीवन में कभी मैंने प्रार्थना नहीं की, पर हर चीज के प्रति मेरे अंदर भक्ति है। अगर मैं एक पहाड़ देखता हूँ, या चट्टान, या एक पेड़, या गाय, या फिर आदमी, महिला या बच्चे, तो मैं प्रार्थनामय हूँ। पर मैं प्रार्थना नहीं करता। मैंने किसी भगवान से किसी चीज़ के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। तो मैं किसी भी तरह से कोई रस्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ तो मैं अपने जीवन के भीतरी और बाहरी दोनों चीज़ों से निपट सकता हूँ। मैं इसे ठीक करना चाहूँ तो मैं आँखें बंद कर लेता हूँ। अगर मैं उसे ठीक करना चाहूँ तो मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ। अगर आप पर्याप्त साधना करते हैं तो आप ऐसे बन सकते हैं। ये पहुंच से बाहर नहीं है, ये हर इंसान के लिए उपलब्ध है, वो बस पर्याप्त ध्यान नहीं देते। पर अगर आप ये नहीं जानते और आप शांत बनना चाहते हैं, आप नहीं जानते कि स्थिर कैसे बैठना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको एक मंत्र सिखाऊंगा, ठीक है? ये कहिए, हर दिन सुबह 20 मिनट आप ये कहिए, अब आप शांत हो जाते हैं। ये आपकी रस्म है। अगर ये आपकी मदद कर रहा है तो आपकी समस्या क्या है? अगर यह मदद नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए। हर दिन सुबह अगर आप स्विमिंग करते हैं, यह आपकी रस्म बन जाती है, आपको अद्भुत लगा, वैसा कीजिए। कोई रस्मों के तौर पर योग कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, कोई गीत गा रहा है, अगर वो चीजें उनके लिए काम कर रही हैं तो किसी को क्या समस्या है? पर
जो रस्में मैं करता हूं आपको भी वही करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई चीज मेरे लिए काम कर रही है तो मैं कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप भी वही करें, पर अगर आप मुझसे पूछते हैं, मान लीजिए कि मैं हर दिन सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, ये मेरे लिए काम कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछते हैं मुझे घबराहट हो रही है मैं क्या करूँ, अरे आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ये मेरी मदद कर रहा है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप भी करने लगते हैं या आप कुछ और करते हैं। But the thing is, it must work for you. That's an important thing. पर बात यह है कि इसे आपके लिए काम करना चाहिए, यही महत्वपूर्ण बात है। तो रस्में शानदार साधन थे जिन्हें एक तरह की समझ से बनाया गया था। एक अरसे के दौरान शायद उनमें थोड़ी बेईमानी आ गई है। एक अरसे के दौरान शायद वो कुछ लोगों के शोषण का साधन बन गए हैं। लेकिन एक सेब खराब होने पर पूरी टोकरी खराब नहीं हो जाती। हमें ये देखने में सक्षम होना होगा कि इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है। उस भ्रष्टाचार को निकाल दीजिए और तकनीक का उपयोग कीजिए। हजारों सालों के जीवन में सभ्यता ने जो कुछ भी सीखा है उन सभी चीजों को फेंक कर ये मत सोचिए कि आप कल फिर से पहिए का आविष्कार कर लेंगे। Everybody will be queuing up at a psychiatrist, just know that. हर कोई मनोचिकित्सक के पास लाइन लगाकर खड़ा हो जाएगा, ये जान लीजिए। आज मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग इतने हैं क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जिसे हम आचार विचार कहते थे। इस जीवन के बारे में कोई तर्क या समझ नहीं है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अस्तित्व का स्वभाव क्या है, न आचार न विचार। And no achara, there is no anything. और ऐसा कुछ भी नहीं। See, if your mothers or fathers did not insist that you must have the ritual of brushing your teeth. देखिए, अगर आपकी माता या पिता ने इस बात पर जोर नहीं दिया होता कि दांत साफ करने की रस्म होनी चाहिए तो ये हॉल कितना बदबूदार होता। क्योंकि आपकी आज़ादी की वजह से आप में से कुछ या सभी अगर ये तय कर लेते कि मैं ब्रश नहीं करूँगा, क्या समस्या है? हो सकता है कि आपके लिए कोई समस्या ना हो लेकिन बाकी सभी परेशान होंगे। अगर आप अपना मुँह खोलते हैं और बदबू फैलाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये ब्रश न करने की वजह से है। आपकी संस्कृति, आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, अगर आपके आसपास के लोग आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, ये हर जगह हो रहा है, क्या ऐसा नहीं है? खासकर लड़कियों के लिए है कि नहीं? अगर आप शहर की किसी बस में चढ़ते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को रस्मों के रूप में सिखाया गया था कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपने घर में बड़े हो रहे थे तो वहां हमारी बहनें थी। आप उनके साथ तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते थे। आपको हमेशा उनके साथ सम्मान से बात करनी होती थी। जब वो छोटी बच्चियां थी तब भी हम उनसे लड़ना चाहते हैं, हम उनकी पिटाई करना चाहते हैं, पर नहीं, आपको लड़कियों के साथ एक खास तरीके से पेश आना होगा। जब आप ऐसे संस्कारों के साथ बड़े होते हैं तब आप सीखते हैं कि सड़क पर महिला के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, वरना लोगों के व्यवहार को देखें, सबसे असभ्य। असभ्य का क्या मतलब है? संस्कृति की जरूरी रस्में उन लोगों में नहीं है, है ना? तो ये अलग अलग तरह की रस्में हैं, सामाजिक रस्में, आध्यात्मिक रस्में, धार्मिक रस्में, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही, यही एकमात्र सवाल होना चाहिए।